जिला गुरदासपुर का रहने वाला गुलजारी लाल, जिसकी आयु 109 वर्ष है, वह अपनी अंतिम अरदास अपने जीते जी ही करवाना चाहता है। उसका कहना है कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। गुलजारी लाल 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान गुरदासपुर के गांव दोरांगला में आकर रहना शुरू किया था, जहां कुछ समय बाद उनके माता पिता की मौत हो गई और वह अनाथ हो गए। इसके बाद वह गुरदासपुर के रहने वाले भोला राम के संपर्क में आए और उसने उनको पुलिस लाइन में रखवा दिया, जहां वह 1969 से लेकर आज तक निष्काम सेवा कर रहे हैं, जिसके बदले में वह कोई पैसा नहीं लेते। इतनी आयु हो जाने के बाद अब उनका कहना है कि उनके आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। उनके मरने के बाद कोई रीति रिवाज करे या नहीं, इसलिए वह अपने जीते जी ही अपनी अंतिम अरदास 22 अप्रैल को करवा रहे हैं। इस अंतिम अरदास में उन्होंने पुलिस कर्मचारियों सहित शहर वासियों को भी न्योता दिया है। गुलजारी लाल नंदा जी, ये स्वर्गवासी किशन चंद के लड़का जी ने, ये दरंगले के रहने वाले सी। मैनू तकरीबन इतने 32 साल हो गए इन्हों देखते हैं। ये काफ़ी समय तो इतने रह रहे हैं, तो बहुत अच्छे ने। ये पुलिस की अच्छी सेवा करते, तो पुलिस यदि बहुत ज़्यादा बच्चों वगू यदि बुजुर्गों वगू यदि सेवा करती है। जो कपड़ा लत्ता है, रोटी पानी फ्री इन्होंने पुलिस खवादी है। हुण तो इन्हां दी तकरीबन उम्र होनी है 109 जां 8 साल की। सुखने आए भी तेरे अगे पिछे रोण वाला कोई नहीं, तू अपने जींदे जींदे कर दे। इत्थे साडी कंटीन दे उत्ते आण के ते माड़ा जिहा रोण डिया पिया, कहिंदा वी मेरा जींदे जींदे इकट्ठ हो जाए तो सब तो वधिया, मैं मरण लगे बाद च देखना नहीं। ये 22 तरीक नूं शनिवार वासे दिन ना इन्हां ने सुखनी साहब का पाठ कराना वा, ते बाकी खुशी दे नाल अपने कहिंदे वी मैं ये कम जिहड़ा मेरे हुंदे हुंदे हो जाए। नंदा जी, कोई नहीं, मां बाप बच्चे है कि नहीं है, सेवा करना चाह चुपती और की करनी, अपनी खुशी ना करना चाहना। मैंने कोई मारदा मेरा कौन जिम्मेवार कह नहीं होना कि नहीं होना। 22 तरीक।